तो गाइस देख सकते हो हमारा दोस्त का अभी पेसार टेस्ट हो रहा है। पेसार अभी बुढ़ा हो गया ना भैया। ये सब पैर देख रहे हो आप लोग, ये सब पैर ये इधर में बिहार में ये सब पैर से ही दारू बनाता है, जो लोकल दारू होता है वो ये। तो हे गुड मॉर्निंग गाइस, सबको स्वागत है और एक न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो 5:30 बजे से शुरू हो रहा है क्योंकि इतना भयंकर धूप है बिहार में भाई, सुबह उठ के दौड़ना पड़ रहा है। तो रात को इधर में ही रहा हमने। और आनंद बाबू बाय बाय, फिर मिल रहे हैं, कभी आऊँगा जरूर, मैं जरूर मिलेंगे, है कि नहीं। इस बार साइकिल नहीं, वैसे बाइक वगैरह लेके आएंगे। इस बार थोड़ा संघर्ष कर रहा है, दो संघर्ष था मेरा, एक पैदल अभी साइकिल, नेक्स्ट बार आके जरूर मिलेंगे। बाबू लोग बाय बाय। रेडी मैं पूरा प्रॉपर तरीके से, तो बस पानी थोड़ा डालना है, पानी थोड़ा डाल लेंगे उसके बाद निकल जाएंगे अपनी सफ़र तक। मुजफ्फपुर इधर से ज़्यादा दूर नहीं है, ये तो मुजफ्फपुर डिस्ट्रिक्ट ही पड़ता है। तो आज मोतिहारी तक मोतिहारी क्रॉस करके जाने का ट्राई रहेगा, क्या होता है देखते हैं। लोग अभी 6:30 बज चुका है, अभी भी मौसम ठंडा है, प्लस धूप नहीं निकला है। और एक घंटा में हम लोग 20 किलोमीटर कवर कर पाएंगे तो हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो चलो, राम मंदिर जब गए थे तो ये वाला ढाबा में ही रुके थे, इधर में खाना वगैरह खाया था और इधर से निकला था मोतिहारी और गोपालगंज। हम लोग और 12 या 15 किलोमीटर आ जाता तो ये पहुंच जाता। मैं सोच ही रहा था ये मिलेगा बोल के, थोड़ा सा और आ जाता तो सही रहता यार, इधर आराम से रह पाता यार, रूम वगैरह था, आराम से रहने देता, मेरे को जान पहचान भी था। बट रात को उधर ही रह दिया, कोई उधर भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। फिर भी तो भाई इधर से अंदर जाओगे 8 किलोमीटर तो आपका मुजफ्फपुर मिलेगा, मुजफ्फपुर मतलब टाउन मिलेगा। तो हम लोग जब ब्रिजिंगर में आया था तो दो भैया ने हम लोग को इधर में रूम लेके दिया था, बहुत अच्छा ही रूम था। और इधर में स्टे किए थे हम लोग, और मैं थोड़ा पहले दिखाया था ना, एक होटल में रहा था तो इधर से इधर तक आया था, तो ये होटल में हम लोग स्टे किए थे। अब ये पूरा याद आ गया, तो इधर हम लोग ये चाय भाई नहीं पिया, मैं तो सुबह ही चाय भाई पी लिया था, तो ये चाय पिएगा, मैं सातुआ खाता हूँ, पूरा प्यारा सा सातुआ बना रहा है हमारा। बिस्कुट है, बिस्कुट दुनिया भर का बिस्कुट है बाबू, देखो यार बाबू, क्या यार बाबू, यार क्या गुंडा बनेगा तू, बहुत बड़ा गिलास है यार, पी लेते हैं। न्यूज़ है हम लोग 5:30 बजे निकले थे होटल रूम से, मतलब जहां हम लोग ठहरे थे। तो अभी हम लोग आगे पहुंचे हैं 30 किलोमीटर, तो बहुत ही बढ़िया बात है कि आज अच्छा कवर हो रहा है और मौसम भी अभी तक तो बहुत बढ़िया है, धूप वगैरह निकला नहीं है। तो धूप वगैरह निकलेगा तो थोड़ा दिक्कत होएगा, चलो देखते हैं क्या सीन रहता है। ये रोड से आए थे, ये रोड से तो इधर से रोड दो हो जाता है, ये जाएगा अपना गोरखपुर अयोध्या गोपालगंज और ये जाएगा पटना, मतलब बिहार का जो मेन शहर है उधर जाएगा। तो हम लोग जाना है ये साइड गोपालगंज के पर, हम लोग बॉर्डर मिलेगा यूपी का। तो चलो अभी पटना को तो रास्ता पता नहीं होगा, वो आ रहा है, लेजी है ना थोड़ा वो यार, मैं पैदल गया था ऐसे करे, थोड़ा आगे हम लोगों का आसामीज यूट्यूबर लोगों को मिला था, बहुत मज़ा आया था यार, इसमें भी मज़ा आ रहा है ऐसा बात नहीं है, थोड़ा हेडेक है थोड़ा सा अलग अलग कुछ कुछ सीन है, मतलब दो तीन मतलब लड़का मतलब पैदल जा रहा है, ठीक है केदारनाथ जा रहा है, ये लोग मतलब क्या है कि देखो 12 AP से उठा, इसमें वो लोग जाके पहुँचाए नेक्स्ट डे पूरा राम मंदिर अयोध्या। ये लोग क्या यार, क्या बकचोदी फैल रहा है समझ में नहीं आ रहा, आदमी को उल्लू बना रहा है यार। मैं खुद पैदल गया हूँ भाई, हम लोग साइकिल लेके इधर बिहार में 3-4 दिन लग रहा है भाई, इतना भयंकर धूप है, साइकिल नहीं चला पा रहा हूँ, और ये लोग कैसे पहुँच के जा रहे हैं, वो भी हम लोग तो रास्ते में है ही है, हम लोग के ऊपर से जंपिंग करके जा रहे हैं ये लोग, कैसे जा रहे हैं। और एक पंकज भाई बोल के है, वो तो भयंकर लेवल का है, वो बोल रहा है बिहार बहुत खतरनाक जगह है भाई। हम लोग भाई 5 दिन रहा बिहार में, साला इतना प्यार मिला लोगों का, एक आदमी के लिए पूरा बिहार का नाम मत उजारो, ठीक है। मैं 2-3 बार आया हूँ बिहार, मेरे को पता है बाबू, और मैं पैदल भी आया हूँ और साइकिल से भी आया हूँ, मेरे को पता है, तुम लोग साला भक्तोदी बना रहे हो लोगों को, ये सब करने से अच्छा साला पहुँच गया, वो पहुँच गया, वो 2-3 ब्लॉक डाला नलबारी से, उसके बाद वो पहुँच गया राम मंदिर, ठीक है अयोध्या। उसके बाद ये भास्कर भाई मेरे वीडियो में भी कमेंट किया था ये लड़का, तो ये क्या किया पता है, ये 12 नंबर एपिसोड दिया है, तो उसके बाद 2 दिन बाद वो जाके डायरेक्ट पहुँचा है राम मंदिर। बाप रे बाप, हम लोग का यहाँ में 50 साल में गन फट रहे, मैं मर रहा है इधर में, और वहाँ में भाई कैसा लेवल में गया है भाई। भाई मैं इतना बता दूँ, मैं और ये साइकिल लेके जा रहा हूँ, ठीक है, मैं पैदल होके भी गया, ठीक है, वो ठंडा का मौसम है, तो अभी गर्म के मौसम है, पॉसिबल ही नहीं है भाई, पॉसिबल ही नहीं है, वो लोग पैदल आए तो बिहार में कम से कम 10-12 दिन लगेगा, मेरे को पता है भाई, मेरे को पता है।
तो वो लोग तो लोगों को चूतिया बना रहा है भाई, चूतिया खात रहा है, खाते तो लोग भी खाता खतपा भी रहा है, और हम लोगों को तो भाई सपोर्ट नहीं करता है भाई। रियलिटी बोलते हैं हम लोग, रियलिटी दिखाते हैं बस। हम लोगों को, मैं राम मंदिर आया था तब जहाँ जहाँ रुके थे उधर में गया, उधर में रहा, और आज भी क्रॉस करके गया। और हम लोगों का इधर से और मोतिहारी में हम लोग ठहरे थे, आज मोतिहारी भी हम लोग क्रॉस करके चला जाएंगे। चुतियापन देखता है, हाँ लोग चुतियापन ही देखना चाहता है यार। इसको देखो खड़ा होता थोड़ा, तो इसको देखो, इसका वेट कितना, 105 वेट है, 108 था तो जब आया, 108 वेट था, अभी तो थोड़ा कमती हुआ है। ये लड़का बिहार तक घुसा है साइकिल लेके, कितना माथा दर्द होता है, माथा पेशा हाई हो जाता है, फिर भी ये लड़का हार नहीं मान रहा है। इसको बोलता है असली जोर, साइकिल भी रोज खराब हो रहा है, क्योंकि आदमी का वेट है, साइकिल का रिंग कभी खराब होता है, रिंग बैन हो जाता है, स्ट्रोक खराब होता है, तो इसको बोलता है रियलिटी भाई, पूरा जो है पूरा आपका वीडियो के सामने है भाई, पीछे कुछ नहीं है। और वो